बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लुबनाज किचन। आज ईद का दिन है, आप सबको मेरी तरफ से ईद की ढेरों मुबारकबाद हो। अल्लाह ताला हम सब की जो हमने कुर्बानियाँ की हैं उनको कबूल व मंजूर फरमाए, और इसी तरह सब ईदें हमारे लिए खुशियाँ, बहुत सारी ढेरों खुशियाँ लेके आए। आज मैं बना रही हूँ आप सब के लिए कलेजी का सालन। कलेजी बनाने के लिए मैंने कलेजी के इस तरह के छोटे छोटे पीसेस कर लिए। ये दिल के थोड़े से टुकड़े कर दिए, सात गुर्दे हैं, ये हलाली है, इसको फिफरा भी कहते हैं, ये पाइप है, बहुत क्रिस्पी सी बनती है। इनको मैंने अच्छी तरह धो के सिरका लगा के अच्छी तरह वॉश कर लिया। दो बड़े साइज के प्याज लेके काट लिए, अदरक का पेस्ट है, ये सिर्फ अदरक है। सब्ज मिर्चें, दो लीमू, लहसुन, और ये थोड़ा सा अदरक वैसे पीस लिया है बाद में गार्निश के लिए। नमक 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पिसी हुई 1/2 टीस्पून, कुटी हुई सुरख मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी जो है वो भी 1/2 टीस्पून है, पिसा हुआ जीरा और पिसा हुआ धनिया ये भी 1/2 टीस्पून है। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। ये बहुत आसान रेसिपी है और बहुत मिनटों में बनती है। जब तक बकरे का गोश्त कट के अंदर आएगा तो इंशाल्लाह कलेजी जो है वो पक जाएगी और फिर सब मिलके खाना खाएंगे। अब इसके अंदर ही मैंने प्याज और अदरक का पेस्ट डाला है, लहसुन डाला है, ये 1 लीमू का रस मैंने निकाल के इसमें डाल लिया। ये तमाम नमक, मिर्च, जीरा और धनिया इसमें डाल दिया। और ये वो टमाटर हैं जिसका मैंने फ्रीज करने का तरीका बताया था, ये इसके अंदर 3 टमाटर हैं, ये आज मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। ये 2 सब्ज मिर्चें मैंने काट के भी डाली हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, 1/2 कप तकरीबन, क्योंकि पानी इसको खुद ही छोड़ देना है। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, अगर आप कढ़ाई में भी बनाना चाहें तो बगैर प्रेशर के इसको जरा 15-20 मिनट के लिए रख दें। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर दूंगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपने कढ़ाई में भी इसी तरीके से ही बनेगा। देखिए अब इसमें प्रेशर बन जाएगा, तब मैं इसको 10 मिनट तक प्रेशर में रखूंगी। प्रेशर इसका बन गया है, अब बस 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह इसको चेक करेंगे। साथ ही मैं रोटी बना रही हूँ ताकि खाना जो है जल्दी तैयार हो जाए, और जैसे ही बकरा कट के अंदर आए तो सब मिलके खाना खाएं। आप भी मेरी रेसिपी से कलेजी ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़े की बनेगी। अब हम इसे चेक करते हैं। मजे की कलेजी नरम हो गई है, बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत मजे का बनेगा सालन इंशाल्लाह। अब इसके अंदर मैं ऑयल डालूंगी। एक चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा डाला मैंने ऑयल। अब इसे हम अच्छा सा भून लेंगे, इतना भूनना है जब तक ये घी नहीं छोड़ते, ऑयल या घी जो भी आप डालना चाहें, नमक मिर्च भी आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल लें, अपने टेस्ट के मुताबिक। ये टमाटर डालेंगे, ये वही टमाटर है जिसको सेव करने के लिए मैंने रेसिपी दी हुई है, और ये अब ईद पे आराम से निकालें और इस्तेमाल करते जाए।
देखिए इसका पानी खुश्क हो गया है, अब आप घी छोड़ दिया इसमें। अब इसके स्मेल बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें लीमू डाल दिया था शुरू में, तो उससे इसकी स्मेल खत्म हो जाती है। बस अब इसको अच्छा सा थोड़ा सॉफ्ट फ्राई करेंगे। अब लेजी का सालन हमारा रेडी हो रहा है, देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत है, ये मजे का बनता है। ये देखिए कितना अच्छा सा फ्राई हो गया इसका कलेजी का सालन, बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। अब हम इसको सिर्फ 2 मिनट की स्टीम देंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए स्टीम आ गई है और सालन हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डालेंगे, अदरक, सबज मिर्च और थोड़ा सा ऊपर मैं ये लीमू छोड़ूंगी। बहुत ही मज़ेदार कलेजी का सालन तैयार है, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।